अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशुष सिंह आर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से एक न्यू पैटर्न कुर्ती डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं। इस कुर्ती को हमने लूज कॉटन फैब्रिक से बनाया है और ये सूट का फैब्रिक था, तो इसमें साइड साइड से कई सारे बॉर्डर थे, तो बॉर्डर से हमने इस कुर्ती को डिज़ाइन किया है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। तो इसकी फुल जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। तो ये हमारा बैक पैनल है, बैक पैनल को हमने फ्रंट से अलग कर लिया है और देख सकते हैं आप इसके साइड में एक ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को हम कट करके पहले अलग कर लेंगे। तो हमने बॉर्डर को कट कर लिया, अब इसको हम साइड रखेंगे, इससे हम साइड में बॉर्डर लगाएंगे जब हम कुर्ती बनाएंगे। तो ये हमारा बैक पैनल, इसको हटाएंगे। अब ये फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल में आप देख सकते हैं सामने एक स्लिट लगी हुई है, तो बाद में इस स्लिट को हम एडजस्ट करेंगे। पहले इसमें से भी साइड वाला बॉर्डर कट करके अलग करेंगे और नीचे वाले बॉर्डर को हम बाद में कट करेंगे और फ्रंट और बैक को बराबर मिलाते हुए ही उसको अटैच करेंगे। अब हम फ्रंट और बैक दोनों से टॉप पार्ट को कट करके अलग करेंगे। और इस ड्रेस में आधा मीटर स्लीव्स के लिए कपड़ा भी दिया था, तो इसको भी हमने कट करके अलग कर लिया। अब बैक पैनल को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसकी लेंथ की मेजरमेंट करेंगे, तो 46 इंच इसकी लेंथ है। तो अब हम टॉप पार्ट के लिए मार्क करेंगे, तो यहाँ पे 15 इंच पे इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और एक मार्किंग हम यहाँ पे भी 15 इंच पे करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए टॉप पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। और नीचे वाला पार्ट हमारा स्कर्ट के लिए है और ऊपर वाला टॉप के लिए है। अब इसके बाद बैक पैनल को साइड में रखेंगे और फ्रंट पैनल को फोल्ड करके अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे। बराबर फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे भी 15 इंच पे मार्क करेंगे और एक मार्क 15 इंच पे इस किनारे रखेंगे और 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन को कट कर लेंगे। और एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं, ये जो हमारी स्लिट है ये हमारी बीच में नहीं आ रही है, तो इस स्लिट को हम ओपन करेंगे और फिर से हम बीच में इसको एडजस्ट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पैनल है, इससे हम फ्रंट टॉप की कटिंग करेंगे और ये हमारा स्कर्ट हो गया। अब इसको भी हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे। और एक कट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। अब हमारी ये फ्रंट स्कर्ट हो गई और ये फ्रंट टॉप हो गई। अब इसको साइड रखेंगे और बैक टॉप के लिए कपड़ा कट करके इस तरह से चौड़ाई में कट करके बराबर से रखेंगे। और इसको फ्रंट वाले टॉप पे इस तरह से सेट करेंगे और अब टॉप पार्ट की मेज़रमेंट करेंगे, तो 7 इंच पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे और 3 इंच नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे और यहाँ से आधा इंच स्लोप कर लेंगे और 7 इंच आर्म होल लेंथ रखेंगे और 9 इंच चेस्ट की मार्किंग करेंगे, 1 इंच स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखेंगे और यहाँ से 8 इंच वेस्ट की विड्थ रखेंगे और 1 इंच यहाँ भी स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखेंगे और यहाँ से क्रॉस लाइन बना लेंगे। और इस तेल को इस वेस्ट वाली लाइन से मिलाते हुए रखेंगे और एक लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे और आर्म राउंड का भी शेप कर लेंगे। अब टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और एक बार इसको फिर से क्रॉस शेप में कट करेंगे और यहाँ से स्टिचिंग वाले मार्जिन तक फिर से कट करके बिल्कुल टच कर लेंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे, यहाँ भी एक कट लगाएंगे और एक कट यहाँ भी लगाएंगे। अब बैक वाले पैनल को साइड में रखेंगे और फ्रंट आर्म होल में आधा इंच डीप कटिंग कर लेंगे। अब बैक पैनल के नेक की कटिंग करेंगे, 2.5 इंच डीप रखते हुए बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट में पहले हम स्लिट को ओपन करके बीच में लगाएंगे, उसके बाद ही इसकी नेक की कटिंग करेंगे।
अब रही है हमारी स्लीव्स, तो स्लीव्स की मेज़रमेंट करेंगे तो 7.5 इंच पे यहाँ पे विथ की मेज़रमेंट करेंगे और 3.5 इंच डीप रखते हुए आर्म राउंड का शेप देंगे और यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन बनाएंगे। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। हमारी स्लीव्स कट गई है। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे और फ्रंट और बैक को मिलाते हुए फ्रंट में 1/2 इंच डीप कट करेंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे। तो अब स्लीव्स हमारी कट गई है। अब हमारा ये फ्रंट पैनल है, हमने स्लीट को ओपन कर लिया। अब बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल बीच में और इसी के ऊपर हम स्लीट को अटैच करेंगे और फिर उसके बाद ही हम नेक की कटिंग करेंगे। अब हमारी स्लीट अटैच हो गई है। अब फ्रंट नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो 6 इंच पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे और राउंड शेप बनाएंगे। अब बिल्कुल राउंड में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो 2 इंच की हमने ये पाइपिंग कट करी है। अब इसको रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे। तो पाइपिंग को हल्का सा खींच के हम इसमें अटैच करेंगे। अब राइट साइड से इसको डबल फोल्ड करते हुए बहुत ही फिनिशिंग से पाइपिंग को अटैच करेंगे। अब फ्रंट नेक बन के रेडी हो गया है। अब बैक नेक में पट्टी लगाएंगे और दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद इसको इस तरह से ओपन करेंगे और बैक नेक पट्टी को फोल्ड करके स्टिच करके लॉक कर लेंगे। अब नेक की कंप्लीट स्टिचिंग हो गई है। अब हम टॉप पार्ट में स्कर्ट पार्ट को अटैच करेंगे। अब ये हमारा फ्रंट स्कर्ट पार्ट है। बीच में हमने ये जो कट लगाया था ये क्रॉस कटिंग है इसकी। अब इसके साइड में हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो नीचे से बॉर्डर वाली साइड से हम इस बॉर्डर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से बॉर्डर को रखेंगे। ये बॉर्डर हमने पहले से ही साइड से फोल्ड कर लिया है। तो इसको अच्छे से फिनिशिंग से सेट करके उसके बाद ही इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। अब जब हम ऊपर की तरफ आएंगे तो 4 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और 1/2 इंच से 1/4 इंच तक यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे और ऊपर वाले कपड़े को इस तरह से छोड़ते हुए पट्टी को सीधा ऊपर तक स्टिच कर लेंगे और यहाँ से पट्टी को कट कर देंगे। अब दूसरी साइड से पट्टी को फोल्ड करके ऊपर से फिर से स्टिचिंग करेंगे। अब दूसरी साइड से बहुत ही फिनिशिंग से इसको सेट करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। एक साइड की हमारी पट्टी लग के रेडी होगी। अब हम सेम इसी तरह दूसरी साइड में भी पट्टी को अटैच करेंगे। इस साइड भी हमारी बन के रेडी हो गई है और ये 4 इंच आप देख सकते हैं हमने स्टिचिंग के लिए छोड़ दिया है। अब हम टॉप पार्ट पे स्कर्ट पार्ट को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो कट को कट में मिलाएंगे साइड से और फिर यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे और 3 इंच तक हम इसमें गैदरिंग नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें हल्की प्लीटें लगाना स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी प्लीटें लगाते हुए इसको कॉर्नर तक लेके आएंगे, बीच वाले सेंटर तक, और सेंटर को सेंटर में मिलाकर फिर से दूसरी साइड भी छोटी छोटी प्लीटें लगा के एंड तक लेकर आएंगे।
अब हमने सेंटर को सेंटर पे मिला लिया है। अब सेकंड साइड भी इस तरह से हल्की हल्की प्लेटें लगाएंगे। और इस किनारे के साइड पे आके हम कट को कट पे मिला लेंगे और फिर 3 इंच छोड़ के इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। अब ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर लेंगे। अब हमने इस बॉर्डर वाले कपड़े से पेस्टिंग पेपर पे चिपका के इसको अच्छे से एक पट्टा बना लिया है और इसको बीच में इस तरह से हमें अटैच करना है। तो इसको बीच से इस तरह से सेट करेंगे पहले और क्रॉस कटिंग कर लेंगे इसकी। अब दूसरे साइड का पट्टा यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसके बराबरी में सेट करके इसको बीच से इस तरह से कट करेंगे। और अब इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसकी मेजरमेंट करेंगे, बिल्कुल बराबर है ये। तो अब इसकी स्टिचिंग करेंगे यहाँ से और बिल्कुल सिलाई के पास से इसको कट करेंगे और कॉर्नर से भी हल्का सा कट लगाएंगे और इस कॉर्नर वाले पट्टे को बिल्कुल सेंटर से सेट करेंगे और एक साइड से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। और फिर ऊपर की साइड से भी स्टिचिंग करेंगे और सेंटर पे ला कर के और सेंटर के पास से भी एक इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और फिर दूसरी साइड भी बहुत ही फिनिशिंग से स्टिचिंग कर लेंगे। और फिर वापस फोल्ड करके दूसरी साइड भी स्टिचिंग करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट पैनल रेडी हो गया है और बैक पैनल भी हमने स्टिच कर लिया है। अब दोनों पैनल को मिलाएंगे और साइड से स्टिचिंग करके साइड से बंद कर लेंगे। अब ये वाली हमारी जो स्टिचिंग है बिल्कुल इसी के पास से हम साइड में सिलाई करते हुए यहाँ कॉर्नर पे ला करके बंद कर लेंगे। और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा देंगे और सेम इसी तरह दूसरी साइड को भी स्टिच करके साइड से बंद कर लेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके रिमूव कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड को पट्टे को भी अटैच कर लिया है और अब इसमें स्लीव्स लगाना बाकी रह गया है और फ्रंट पैनल के बॉटम में हम एक बॉर्डर और लगाएंगे। हमने इसमें से भी बॉर्डर कट करके अलग कर लिया था। अब इस बॉर्डर को हम यहाँ पे अटैच करेंगे और बैक पैनल में फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और सेम इसी के बराबर हम बॉर्डर लगा के सेट कर लेंगे। और स्लीव्स हमने पहले से रेडी कर लिया, अब इसको आर्म होल में ज्वाइन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारी ये कुर्ती टाइप फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।